कृषि कानून बिल के विरोध में राजधानी रांची समेत राज्य के लगभग सभी हिस्सों में चक्का जाम आज किया हुआ है। सत्ता दल के सभी पार्टियों के द्वारा चक्का जाम किया हुआ है। वहीं आपको बता दें कि झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और CPI वाम दल के द्वारा, साथ ही अन्य संगठनों के द्वारा राजधानी रांची की बूटी मोड़ को चक्का जाम कर दिया गया। उस चक्का जाम में झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि हम इस वक्त मौजूद है राजधानी रांची के बिरसा चौक पर। हालांकि आप देख सकते हैं कि बिरसा चौक पर तमाम पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की हुई है। ये जो सड़क है, ये खूंटी और गुमला की ओर जाने वाली सड़क मार गई, यहाँ पे प्रशासन के द्वारा गाड़ियां लगाई हुई है, स्पेशल वैन। वहीं आपको बता दें कि चक्का जाम का जो आज देशव्यापी चक्का जाम है, और राज्य में अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में चक्का जाम है। चक्का जाम का असर आप मिला जुला देख सकते हैं। राजधानी रांची का बिरसा चौक पर मिला जुला असर आपको चक्का जाम का दिखाई दे रहा होगा। वहीं राजधानी रांची का जो बूटी मोड़ है, बूटी मोड़ पर तमाम सभी सत्ता दल की पार्टियां धरना पे बैठी हुई हैं, और वहां पे किसानों के समर्थन में झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी शामिल हुए हैं। आइए सुनते हैं बादल पत्रलेख का क्या कहना है। मोदी सरकार काला कानून वापस लो। रांची की सड़कों को देखा, शमशान पड़े, लोगों ने सबका समर्थन किया है। आज हम किसानों के समर्थन में घर में पड़े हैं, ये भी आप देखिए। इस चीज को भी दिखाई नहीं है, यहाँ तो कोई काम नहीं है। अरे गाड़ियाँ देखिए, वो स्वर्ण घरों में नहीं निकल रहे, जिनको नहीं मालूम था। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये देशव्यापी चक्का जाम कितना सफल होता है कृषि कानून बिल के विरोध में। सहयोगी नेहा सिंह के साथ रंजना कुमारी।